안녕, 선생님, 가수인데입니다. 오늘은 성냥이에게 읽어드릴게요. 오늘의 얘기차례는 이거예요. पानी के दो भाग होते और दीवारें गिरती हैं। पानी के दो भाग बागे होते हैं और दीवारें गिरती हैं। इगो देखियो पारे। मूसा ने 12 भेदिये को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। मूसा ने 12 भेदिये के वायदा किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहां लेगें लोगों के कभी भी हरा नहीं सकते हैं। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं।진짜 열 명인지 세어볼까요? 예민해. 잠깐만요. डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब ये समय था। डरे हुए लेकिन ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में अवश्य करेगी। इस तरह उन जंगल में 40 साल के बाद अब यह समय। इ렇게 되네. 점점 늙어졌다. 정말 늙어졌다. 모세가 사라졌네. 늙어 죽었나? क्या यहोशू और कालेब ने विश्वास किया कि परमेश्वर इसराइलियों की वादा की गई भूमि में प्रवेश करने में सहायता करेगा, हाँ या नहीं? हाँ, ओ ये भेजे। यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। वो रहाब नाम की एक स्त्री से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की।
उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। यो हेंशु ने दे बेतियें कि के यो रीहें में बेजा वह रहा नाम की एक रात्र से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने सहायता की। उन्हें ने उसे और उसके परिवार के बचाने का वायदा किया। इजरायलियों ने यर्दन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। इस्राएल ने यर्दन नदी पार की। पहले याजक व याचा क्या संदूक उठाए आगे गए। जब उसके पांव ने नदी के सब स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कई सूखी भूमि से है करने निकल गया। आगे यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशु से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में एक बार घूमना, तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना, दीवार नीचे गिर जाएगी। आगे यरी है था। परमेश्वर ने यहोशु से कहा, 6 दिन तक यरीहें की चारों तरफ दिन में एक बार दुमना, तब 7वें दिन 7 बार चक्र कर लगाना, नरसिंह के को फूंकना, जय जयकार करना, दीवार नीचे गिर जाएगी।
राजा क्या उठाकर यर्दन नदी पार कर रहे थे जब परमेश्वर ने पानी का बहाव बंद कर दिया? यहोशु ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए, उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया, राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। यहोशु ने परमेश्वर पर भरोसा किया जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए, उन्होंने शहर के कब्जे में ले लिया, राहाब बच गई। परमेश्वर ने के लेकिन ने वादा की हुई भूमि के कब्जे में लेना आरंभ किया। क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया और आज्ञा का पालन किया, यरीहो की दीवारें गिर गईं। सही या गलत? सही। और यही देवनंदन संगीत यागी दीपांते और तन्नाजस नयो कर्मण थामे तो बाय।